हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्किल्स। सो फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल फॉर्मूला सीरीज का ये हमारा सेवंथ वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉनकेटिनेट फंक्शन का हम यूज कैसे करते हैं। तो कॉनकेटिनेट फंक्शन का यूज करने के लिए हमने यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल लिया, आप देख सकते हैं चार एग्जाम्पल हमारे। आप जाएंगे यहाँ फॉर्मूला टाइम में, फॉर्मूला टाइम में आने के बाद यहाँ टेक्स्ट फंक्शन में जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे हमारे फोर्थ फिफ्थ नंबर पे हमारा कॉनकेटिनेट फंक्शन है। बेसिकली कॉनकेटिनेट फंक्शन का हम यूज करते हैं दो या उससे ज्यादा स्ट्रिंग को कंबाइन या फिर ज्वाइन करने के लिए, राइट। तो सिंपल हम आ जाते हैं सबसे पहले एग्जांपल पे। यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया हुआ है। कॉनकेटिनेट फंक्शन का यूज करके हमें इसे फुल नेम में कन्वर्ट करना है, राइट। तो फ्रेंड, कॉनकेटिनेट फंक्शन का यूज करने के लिए हम सिंपली सेल सेलेक्ट करके फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू कॉनकेटिनेट, यह आएगा हमारा, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर। देन यहाँ से टेक्स्ट वन में सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा। देन टेक्स्ट टू में सेल को सिलेक्ट करेंगे, लास्ट नेम वाले सेल को, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंड लास्ट नेम कंबाइन हो जाएगा, राइट। मान लीजिए हमें फर्स्ट एंड लास्ट नेम के बीच में स्पेस देना, तो सिंपल फॉर्मूला टाइम में जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अगेन कॉमा लगाएंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट एंड लास्ट नेम के बीच में स्पेस आ जाएगा, राइट। या जैसे हमें सभी नेम के लिए चाहिए तो सिंपल इसको ड्रैग करके नीचे तक लेके आएंगे। आप देखेंगे सभी नेम जो है ना हमारा फर्स्ट एंड लास्ट नेम फुल नेम में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सिटी नेम स्टेट कंट्री पिन कोड दिया हुआ है, हमें यहाँ पे जो है ना फुल एड्रेस में इसको कन्वर्ट करना है, राइट। तो सिंपल फुल एड्रेस लिखने के लिए आपको सिंपली सेल सेलेक्ट करना है, आप फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू कॉनकेटिनेट, राइट। ये डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, देन आप यहाँ से सेल वन सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट वन में, कॉमा। मान लीजिए अगर आपको जो सिटी स्टेट कंट्री एंड पिन कोड के बीच में स्पेस देना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आके स्पेस देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे। देन टेक्स्ट टू में हम स्टेट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इस कॉमा। देन टेक्स्ट थ्री को सिलेक्ट करेंगे, कंट्री को कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा इस कॉमा। देन यहाँ से पिन कोड को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे ये हमारा जो है यहाँ पे फुल एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। हमें सभी स्टेट के लिए चाहिए और सिटी के लिए चाहिए, तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, हमारा यहाँ से सभी सिटी स्टेट कंट्री एंड पिन कोड फुल एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 120, ये तीन डिफरेंट सेल में लिखा हुआ है, हमें इसे जो है ना एक सेल में कंबाइन करके लिखना है, राइट। तो इसके लिए हम कॉनकेटिनेट फंक्शन का यूज करेंगे। आप तो इसको लिखने के लिए आप सिंपली सेल सेलेक्ट करके लिखेंगे इक्वल टू कॉनकेटिनेट ब्रैकेट टेक्स्ट वन सेलेक्ट करेंगे, ये वन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अगेन कॉमा लगाएंगे, यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा लगाएंगे। देन थर्ड में इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा 120 एक सेल के अंदर में आ जाएगा, राइट। अगेन हमें इस सेल के लिए भी चाहिए था, सिंपल इसको ड्रैग करके नीचे तक लेके आएंगे, नीचे तक लेके आएंगे तो देखेंगे ये हमारा जो है 120 एंड 552, ये दो डिफरेंट सेल में आ जाएगा, राइट। जो हमारा थर्ड है, यहाँ पे जो है ना एक नेम दिया हुआ है, उसका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, हमें इसको सिंपली एक सिंगल सेल के अंदर कंबाइन करना है। तो यहाँ पे भी हम कॉनकेटिनेट फंक्शन का यूज करेंगे, आप लिखेंगे सेल सेलेक्ट करके इक्वल टू कॉनकेटिनेट ओपन ब्रैकेट टेक्स्ट वन में सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, देन हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगेन कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हमें नेम और डेट ऑफ बर्थ के बीच में कॉमा लगाना, राइट। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अगेन कॉमा लगाएंगे, यहाँ से इस डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे राहुल और उसका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा यहाँ पे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।